हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो सबको लेट बट हैप्पी होली। ये मेरा होली का वीडियो है, होली के दिन का, तो मैं डाल नहीं पाई थी, तो ये रहा मेरा वीडियो। ये सुबह सुबह मैंने रात में सारे काम कर लिए थे, ये मेरा सुबह सुबह का वीडियो है। ये देखिए चाय बन रही है, मेरी मम्मी को अपने मायके जाना था तो मैंने फटाफट से शुरुआत कर दी थी जल्दी से ही कि मैं पहले खाना बना लूँ। मेरे यहाँ गुजिया उसी दिन बनती हैं तो उसके बाद मैंने गुजिया बनाई हुई थी, तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी। मैंने चाय बना दी और आलू बल रहे उनकी कचौड़ी के लिए, और यहाँ पर मैंने गुजिया की भी साथ साथ तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कहा पूजा के लिए निकाल कर मम्मी को एक आधी खिला दूँ तभी भेजूँ घर से, त्यौहार पे ऐसे जाना नहीं चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने शुरू कर दिया था बनाना। तो ये देखिए मैदे का डो लगा रहे हैं गुजिया का, तो यहाँ पर मैंने वही शुरू कर दिया बनाना। तो यहाँ पर मोहन डाला जाता है जो गुजिया में, वही डालकर घी डालकर मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया था, और यहाँ पर गर्म पानी डाल डालकर इसको अच्छे से डो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करके रख लिया है, ये देखिए डो बना लिया है। इसको थोड़ी देर ढककर रख देने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इसको बना कर गूँथ कर अच्छे से थोड़ी देर साइड में रख दूँगी, तो ये अच्छा सा सॉफ्ट सा मेरा डो बन जाएगा। और ये देखिए बाहर का सीन रहा, होली के दिन है, त्योहारों पे तो बाहर की भी रौनक अच्छी रहती है। तो ये देखिए वो बेचने वाले आते हैं ना फेस मास्क वगैरह, तो वही मैं निकल रहे थे, शोर मचा मचा कर बेच रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं कौन शोर मचा रहा, जब देखा बाहर आकर तो ये मास्क और कलर पिचकारी सब बेच रहे थे बाहर ही, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और साथ ही साथ मेरी मम्मी चली गई हैं, तो अब उनके लिए जो मैंने खाना ना पैक करके उनको दे दिया था, यहाँ पर वॉइस ओवर मैंने करी हुई है क्योंकि टीवी चल रही थी तो उस पर म्यूज़िक आ रहा था, तो फिर वही कॉपीराइट, तो इसको मैंने म्यूट कर दिया और दोबारा से वॉइस ओवर की है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ गुजिया, खाना मेरा बन गया है जो बनना था मेरा, मम्मी को भी पैक करके भेज दिया उनको, और अब ये बना रही है। देखिए मैंने मावा मिक्स करके रखा हुआ है, लोई भी बिल्ली रखी हुई है, ये देखिए साथ ही साथ जितनी मैं मेरी गुजिया बनती जा रही मैं सेक सेक कर उनको निकालती जा रही थी, तो ये मेरी गुजिया भी बनना स्टार्ट हो गई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी गुजिया कैसी बन रही है और आपको कैसी लग रही है देखने में। तो देखते हैं आगे आगे और होली के सेलिब्रेशन में क्या होगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुजिया वो तो मैं बना ही रही हूँ, तो चलिए आगे मिलते हैं। तो ये रही होलिका माता जो रात में जलाई जाएंगी, रात तो हो ही गई है, और ये देखिए ज़रूर बताइएगा कि आपको होलिका माता कैसी लग रही है। तो रात के डिनर में मैंने क्या बनाया आप वो भी देख लीजिए। इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही डाल दिया है। तो यहाँ पर चटनी और इडली बनाई हुई थी क्योंकि कोई भी पूरी खाने के लिए तैयार ही नहीं था, और त्योहारों पर रोटी तो बनती नहीं है, तो बच्चे बड़े पापा जी बच्चे सब कोई भी पूरी खाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने फिर वहाँ पर यही चटनी और इडलियाँ बना दी थी, तो रात में सबने ने वही पे खाया था, इडली खाई थी। त्योहारों पे और भी सारी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं खाने पीने के लिए, मीठा गुजिया ये वो सब कुछ, तो खाते खाते किसी का भी मन नहीं लगता है, तो सबने हल्का ही खाना खाना चाहा, तभी मैंने इडली और चटनी साथ में सर्व कर दी थी। ये देखिए लगी हुई है, और अब ये रही होली। तो ये देखिए होलिका दहन का टाइम हो गया था, हमारे यहाँ पर 11 बजे करीब होली जली थी, तो पापा जी और दोनों बेटे मेरे और उनके पापा तीन चारों लोग यहाँ पर होलिका दहन में जो गन्ने लेके जाए जाते हैं वो लेके चले गए। मैं वीडियो नहीं बना पाई जल्दी जल्दी, मैं गन्ने देने लगी तो मैं वीडियो ही बनाना भूल गई। तो यहाँ पर होलिका दहन हो रहा था और मेरे घर के पास में ही जलाई जलती, तो मैंने वहाँ से वीडियो दूर से ले लिया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ गन्ने, आई होप सभी क्या होता होगा, गन्ने पूजा में वो करे जाते हैं, पकाए जाते हैं, आग में जलाए जाते हैं, उसके बाद में परिक्रमा करी जाती है, पर इतनी तेज़ गर्म था वहाँ पर कि परिक्रमा ये लोग कर ही नहीं पाए, तो परिक्रमा घर पे ही करी थी आकर। और ये देखिए ये सब लोग लेकर आ रहे हैं, परिक्रमा करके वापस आ गए हैं पूजा करके, ये बगल वाले अंकल जी हैं वहाँ पर पूजा करके आ गए हैं, उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, तो वो धीरे धीरे से जा रहे हैं। तो ये देखिए, और अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक बज रहा था। ये देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करी है, वो वाला वॉइस नहीं डाली है क्योंकि अगर वो वॉइस जाएगी तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और ये जो घर पर जलाए जाते हैं, बल्ले बनाए जाते हैं गोबर के, तो ये घर पर भी जो पूजा करी जाती है वही पूजा मैं कर रही हूँ, मम्मी नहीं है मेरी, ये फ़िलहाल ये सब वही करती हैं, साथ में मैं करवाती हूँ, पर इस बार मैंने ही पूरी तरह से पूजा की थी।
ये देखिए आटे की और सोट गुड़ की गुजिया बनाई जाती है, घी गुड़ से और गुड़ से इनकी पूजा करी जाती है। तो मैंने वही पर वही यहाँ पर की है। ये वहाँ से आग लाई जाती है होलिका से, तो वहाँ से लाकर उसको जलाया गया था। और मुझे तो जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, सबने मिलकर तब जलवाया, जल ही नहीं रही थी। सब लोगों ने मेहनत करी तब जाकर आग जली फाइनली, तो फिर पूजा करी गई। पापा जी ने आखिर में आग जलाई, तब जाकर जली, तब पूजा की गई थी। देखिए मैंने पूजा कर दी है, थोड़े थोड़े से धुआं से आप देख रहे हैं आ रहा है। यहाँ पर मैंने जब तक पूजा कर दी कि पूजा कर दी तब तक फिर ये लोग जलाएंगे ही। बस भाई मैंने पूजा करनी शुरू कर दी, अबीर लगाई है और बाकी जो मैंने बनाया हुआ था वो भोग चढ़ाया। और पूरी पूजा करने के बाद में ये देखिए जला रहे हैं, जल ही नहीं रही थी। वहीं से आग ला कर उसी से जलाया जाता है और एक्स्ट्रा किसी चीज़ से नहीं जलाया जाता है। ये देखिए पापा जी बैठे हुए थे, फिर इन्होंने ही जलाया, तब जाकर वो आग जल पाई। देखिए कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो वो फुल इंजॉय वाला हो जाता है, बड़ा ही मज़ा आता है चाहे वो कुछ भी हो। एक आग जलाने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए छोटा वाला बेटा चश्मा उसमें लगा कर आया, पेपर लेके आया, इतना धुआं हो रहा था, कह रहा था पापा जी चश्मा लगा लीजिए उसके बाद में आग जलाइए। बहुत ज़्यादा फनी हो गया था उस टाइम पर, बहुत हंसी आ रही थी। कर लिए उन्होंने, कहा पूजा करो और ये सामान हटाओ फिर मैं जलाती हूँ। ये देखिए फाइनली फिर आखिर मैं पापा जी ने ही आग जला पाई, उन्होंने ही फूक फूक के और सब कुछ करके, तब उन्होंने ही कह रहा तुम लोग जलाना नहीं आता है, और सच में हम लोगों को नहीं आता है। फिर उन्होंने ये देखिए आग जलाई, तब जाकर यहाँ पर घर पर होली जली और फिर उसमें घी डाला गया थोड़ा सा और, ताकि अच्छे से जलती रहे। और फिर हम सब लोगों ने पूजा पाठ कर ली अच्छे से। और फिर मेरे साथ साथ इन चारों लोगों ने भी परिक्रमा करी, क्योंकि वहाँ पर ये लोग परिक्रमा नहीं कर पाए थे, वहाँ पर इतनी तेज़ गर्म था तो वहाँ पर घूमने में बहुत दिक्कत हो रही थी, चेहरा जला जा रहा था इन लोगों का। तो ये लोग घर पर ही आ गए थे। फिर हम लोगों ने जो घर पर जो गन्ने के साथ साथ में गेहूं की बाली भी पकाई जाती है तो वही डाल डाल कर परिक्रमा करी जाती है, तो हम चारों पाँचों लोगों ने परिक्रमा कर ली थी यहाँ पर। तो इसके साथ में पूजा कर ली और इसी तरह हम लोगों ने अपनी होली का एंजॉय किया। और ये देखिए वो डांस भी कर रहे हैं साथ में, हर चीज़ की फुल मस्ती चलती रहती है मेरे यहाँ। तो इसी के साथ में होली का ये मेरा व्लॉग रहा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।